हम लोग बात शुरू करेंगे अपनी। आप बताएं, आपका नाम बताएं दोबारा से, कहां से बोल रहे हैं? मैं इधर काठमांडू नजदीक और थोड़ा सा ऊपर नगरकोट गांव से बोल रहा हूं सर। काठमांडू से आप रहने वाले हैं, तो आपका यहां पर पंजाब में कैसे आना जाना हो गया? यहां पर कोई जॉब ऑफर कैसे मिल गई आपको वहां से बैठे हुए? मैंने ऑनलाइन जॉब ऑफर आया था और उसी में अप्लाई किया था सर। अच्छा, वहां से? अच्छा, ऑनलाइन बैठे थे, जॉब भी मिल गई आपको? जॉब दे भी दी उन्होंने? नहीं, जॉब नहीं दिया सर, अभी तक नहीं दिया। उन लोगों ने ऑफर लेटर भेजा है और हाँ, बाद में उनको ने बीएसएस फॉर्म के लिए पैसे भेजना पड़ बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। जॉब नौकरी किस चीज की है? नौकरी वो कनाडा का रिसर्च पैकिंग में बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था कंपनी में। अच्छा, हमें तो लगता है कि नौकरी सही नहीं होनी चाहिए। आपको कोई LMI वगैरह दिया कि नहीं? वैसा तो कुछ भी नहीं दिया। उन लोगों ने बोला है कि जब तुम लोग जब पैसे उन लोगों ने पैसे जब तुम यहाँ से नेपाल से ट्रांसफर करेगा उसके बाद ही तुम लोगों का वो BSS फॉर्म आएगा, उसके बाद LMI आएगा, ऐसा बोल रहा है वो। आपने मेरे पहले कितने वीडियो देखे हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे देखे हैं, देख आपका वीडियो है? बहुत सारे देखे हैं सर। अच्छा, तो उसमें आपको कुछ पता लगा कि ये जितने भी जॉब ऑफर वगैरह हैं ये सब नकली होते हैं, सब इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि LMI आपके पास है नहीं है और जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया नहीं है और ऐसी कोई चीज है नहीं जिससे मालूम पड़े कि वो लोग ऑथराइज्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं, कोई कनाडा का के पास लाइसेंस नंबर है? तो मेरे को तो पता है 100% के नकली निकलना है, इसमें निकलना कुछ नहीं है। उन लोगों ने बोला है हमारा सब कुछ है पर तुम अप्लाई करना है कि नहीं, करना है तो पहले पैसे, उन लोगों ने ज्यादा तो पैसे नहीं मांगा। अरे भाई साहब, ये कौन सी धौंस है कि अप्लाई करना नहीं करना? जब कोई सामने कोई चीज असली होगी तभी तो अप्लाई करेंगे। उनसे आप पहले उनको आप पहले उनसे पूछ ले कि भाई मेरे को कागज दे दें, अपने जॉब ऑफर चाहिए, मेरे को LMI की कॉपी चाहिए, फिर हम पैसे पे करेंगे उसके, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो हमेशा बोलता है मेरे को पैसे भेजो और व्हाट्सएप में उन लोगों ने बोलता है तुम कब। अरे यार, मैं आपको बता तो रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको पैसे देना हो दे दो, मेरे को ये सब नकली निकलना है, इसमें कुछ नहीं है। कंपनी का नाम वगैरह जो भी कुछ है, इसका कोई फोन नंबर है, आप मेरे को यहाँ पर आप अनाउंस कर दो, जो लोग देखेंगे उसको वो खुद ट्रैक कर लेंगे। कंपनी का नाम बोलो। कंपनी का नाम रॉयल स्टडी सर्विस। फोन नंबर बोलो। कंपनी का फोन नंबर, एक मिनट सर मैं इधर देखता हूँ। पीछे आवाजें आ रही हैं, पता लग रहा है दुनिया को मैं इंडिया में आ गया हूँ। पीछे कोई लाउडस्पीकर चल रहा है, कुछ यहाँ पर चल रहा है, कोहरा जमा हुआ है और पीछे से आवाजें आ रही। आप नाम कंपनी का दोबारा से बोल के एक फोन नंबर बोलना, तो जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उसको ट्रैक करेंगे कि भाई कंपनी कौन सी है। मेरे को लगता नहीं है कंपनी जेन्युइन है, क्योंकि जो लोग आपको कोई जॉब ऑफर की कोई कॉपी दिखा नहीं रहे हैं वो जेन्युइन होना थोड़ा सा मुश्किल है। फोन नंबर मिला कि नहीं? हाँ, सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। फोन नंबर है आपके पास? फोन नंबर है सर, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ सर, मैं थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मेरे को भेजने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बोलना यहीं पर, आप या तो लिख के दे देना, मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पर, देख लोग देख लेंगे। बाकी और कोई सवाल आपको है मेरे से कि नहीं, बस इतना ही? हाँ वो तो नहीं सर, और आप नंबर लिख सकते हैं सर, मैं आपको नंबर अभी बता सकता हूँ सर। आप बोलो 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 बोल बोल के बताओ। 9 9 1 डबल नाइन 9 1 9 9 1 5 1 5 2 0 2 0 5 2 5 2 3 5 3 5 ठीक है, मैंने बोल दिया। और जो लोग देख रहे हैं उसको इस नंबर पे फोन करके लोग पता कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, कहाँ पर है। जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में बताया है कि अगर आपके पास जॉब ऑफर की कोई सॉलिड, कोई आपके पास कोई पेपर में कुछ ऑफर ना हो तो 100% ये धोखे की शुरुआत है। LMI ये नहीं है, और धोखा है। और जो आदमी अपने बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि वो लाइसेंस है कि नहीं है और जॉब कहाँ की है, उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, या पुराना कोई रेफरेंस नहीं है कि किसको और उन्होंने वर्क वीज़ा दिलाया है, तो 100% ये सब धोखे की निशानी है।
तो मैं तो आपको इतना ही बता दूंगा कि भाई इससे आप बचें, बाकी मर्जी आपकी, आपकी किस्मत है। ओके ठीक सर, है, मैं आप एक बात बोलता हूँ सर, उन्हें हाँ रॉयल स्टडी सर्विस हाँ मोहाली पंजाब, हाँ और ये विवेक हाई स्कूल सेकेंडरी नजदीक बोल रहा था, ऐसा लिख के भेजा था मेरे को व्हाट्सएप पे। हाँ तो ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप आवाज सुन रहे हैं लोग तो वो अपने आप चेक कर लेंगे, जो जिसको वहां पर लोकल होगा तो वो पता कर लेगा। ठीक लोगों ने है, ऐसा लिख, हाँ ठीक है सर। ओके और सर, कोई मैं बाद सवाल? में और पूछना है तो मैं उसी के साथ फिर उधर फोन करके कॉल करके आपके साथ बात करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू यू सर, थैंक यू, बाय पहले बाय। थोड़ा सा वक्त दिया आपने। कोई बात नहीं, मैं दो को बता देता हूँ, मैं इस वक्त इंडिया में आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पता है पीछे से आवाज़ आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बगल में शोरगुल हो रहा है, यहाँ पर कूड़ा जमा हुआ है, ठंड चल रही है, और आपका जो आज पहला कॉल आया इससे शुरुआत हो गया, पता लग गया कि अभी भी फ्रॉड चल रहे हैं यहाँ पर, नकली जॉब ऑफर वगैरह हो रहे हैं। बाकी मैं एक्चुअली पंजाब में, मैं अगले महीने, नॉट सॉरी अगले महीने, अगले हफ्ते मैं पंजाब में हूँगा, और जिसको वहाँ मिलना है किसी, तो वहाँ भी मेरे से मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, टेक केयर। वेलकम सर, एक बात सर, हाँ बोले, एक मिनट। उन लोगों ने ऑफर लेटर पर तो भेजा, पर कंपनी का कुछ वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। वो सब नकली है बॉस, रहने दो, छोड़ दो उसको, सब नकली है वो। ओके सर, मैं एक बार ओके सर मैं उधर एक बार फोन करके और आपको फोन करता हूँ। थैंक यू सर, थोड़ा सा थैंक वक्त थैंक यू दिया बाय, मेरे थैंक लिए। यू, थैंक बाय यू, बाय। बाय बाय सर।